फ्रेंड्स, वेलकम टू यूडीवीसीएस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीयू के काउंसलिंग के बारे में। आप सब जानते हैं आईपीयू मींस हमारी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में आपकी जो कॉलेजेस हैं, आप जानते हैं दिल्ली में कुछ कॉलेजेस हैं आपके जिनके लिए कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। जैसे एक आपका आर्मी कॉलेज हो गया, सेकंड आपका डॉक्टर बीएसए हो गया जो रोहिणी में है, थर्ड आपका एनडीएमसी हो गया मलकागंज वाला, और फोर्थ आपका वर्धमान महावीर, और फिफ्थ आपका जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट हो गया। लेकिन कैंडिडेट ये भी जानते होंगे आईपीयू के लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आईपीयू के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास दिल्ली स्टेट का डोमिसाइल है या जिन्होंने दिल्ली स्टेट से अपनी 11th एंड 12th क्लियर की है। क्योंकि आप दिल्ली स्टेट से अगर 11th 12th कंप्लीट करते हैं तो आपका एजुकेशन के बेस्ड पे आप वहाँ की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ जो आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज है, ये हमारा, इसके लिए जो आर्मी कोटा से हैं वो लोग इसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, जिनके पास उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। तो हम पहले एक बार रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं कब से कब तक होंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा काउंसलिंग का। वन बाई वन आप जानते हैं स्टेट की काउंसलिंग के नोटिसेज आना स्टार्ट हो चुके हैं। कल आपका तमिलनाडु का आया था, आज आपका मेघालय का आया था, और रही गोवा की बात तो गोवा का प्रोस्पेक्टस पहले आ गया था, बट अब तक उसमें कोई डेट मेंशन हो गया नहीं आई, अभी सिर्फ प्रोस्पेक्टस उसका रिलीज हुआ है। आईपीयू पे हम दोबारा आते हैं तो हम इसका एक बार अगर प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आईपीयू की दो वेबसाइट हैं, एक वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है एंड एक ही जो वाली वेबसाइट है इस पर नोटिसेज आते हैं। इस पे भी आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, लेकिन इसमें आपको जो काफ़ी टैब्स होते हैं इन टैब में जाके फाइंड आउट करना होता है। लेकिन जो दूसरी वेबसाइट है हमारी, जो अभी हम आपको दिखाएंगे, उसमें डायरेक्टली आप ओपन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा। ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर आपका ये नोटिस आया हुआ है एडमिशन ब्रोशर में, इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का नोटिस ओपन होगा। और आप जानते हैं आईपीयू लास्ट 2 ईयर से री रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहा है आईपीयू, वरना आपका नीट के एग्ज़ाम के पहले ही रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिव नहीं करता था। लेकिन लास्ट 2 ईयर से देखा जा रहा है कि आपका जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद भी आईपीयू अपना रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन करता है कि जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लें। और इसमें जो होगा आपका वो MBBS के भी हो रहे हैं, BSc नर्सिंग के भी हो रहे हैं, और साथ साथ आपका जो MCA जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हम फिलहाल MBBS की ही बात करेंगे, लेकिन इसमें अदर कोर्सेज के भी एडमिशन हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन जो होते हैं। आईपीयू में 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, पार्ट वन में अलग पेमेंट लगती है, पार्ट टू में आप लोगों की जो होती है वो अलग पेमेंट लगती है। इस बार जो लगेगी, देखिए इन्होंने यहाँ पे दिया है 1500 पेमेंट लगेगी पार्ट वन में, और सेकंड वाले में 1000 रुपीज़ की आप लोगों की पेमेंट लगेगी। वैसे लास्ट ईयर तक 1200 पेमेंट लगती थी, इस साल 1500 है। बाकी कैटेगरी रिजर्वेशन होता है, तो आपकी जो कैटेगरी है, आप जानते हैं अगर OBC हैं, SC हैं, ST, OBC NCL जो होते हैं नॉन फीमिलियर, SC ST रिजर्वेशन है, तो आप लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन देखिए, आप लोगों का नोटिस ही कल ही अपडेट हुआ था और नाइट के टाइम पे, तो रजिस्ट्रेशन लिंक हैज़ बीन एक्टिवेटेड कल से, और लास्ट डेट जो है वो आपकी 3rd of July 11:50 PM तक है। यानी कि जो विंडो ओपन रहेगा अभी आप लोगों के पास 1 वीक तक का टाइम, मतलब 5 से 6 डेज हैं आप लोगों के पास, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे वो जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन का लिंक कहाँ मिलेगा, क्या प्रोसेस है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे, कट ऑफ की भी बात करेंगे। तो यह वही रजिस्ट्रेशन आपको करने हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सेकेंड होगा आप लोगों को क्या करना है, पेमेंट जब आप लोग करेंगे और डॉक्यूमेंट जब अपलोड करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में भी यहाँ पे दी हैं, द कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट अंडर रिजर्व कैटेगरी हैव टू अपलोड द रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ड्यूली इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर आप लोग ऑब्वियसली आप लोग आईपीयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट्स मीन आप दिल्ली से हैं, और अगर आपके पास कोई कैटेगरी बेनिफिट है, जनरल का तो कुछ भी नहीं होता है डॉक्यूमेंट अपलोडेशन के लिए, बट यस आप OBC NCL हैं, SC हैं, ST हैं, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना होता है रिजर्व कैटेगरी शो कराने के लिए। तो वो जो आप लोग अपलोड करेंगे वो आप लोगों का वैलिड होना चाहिए, क्लियर उसमें दिखना चाहिए, और उनका जो वैलिड फॉर्मेट वो देंगे उस वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए। द कैंडिडेट में काइंडली रीड एडमिशन ब्रोशर टू द सी द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर बीइंग एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट अंडर रिजर्व कैटेगरी एंड फॉर आर्मी कैटेगरी। तो ऑब्वियसली आर्मी कैटेगरी से आप जा रहे हैं तो आप बेनिफिट जो है
ले रहे हैं आर्मी कोटा का, तो डॉक्यूमेंट आप लोगों के सारे होने चाहिए। अपेंडिक्स 9A का जो अपेंडिक्स होगा वो अपेंडिक्स 9A, 9B, 9C आप लोगों को एडमिशन ब्रोशर जो है, प्रोस्पेक्टस जो जब आया था फर्स्ट, हमने उसकी तभी बात कर ली थी, इसलिए हमने भी प्रोस्पेक्टस यहाँ पे ओपन नहीं किया हुआ है। री रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं तो जिसने नहीं किए हैं वो कर सकते हैं। इसकी भी लास्ट डेट्स आप लोगों की जो है वो फर्स्ट, आप लोगों की यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को अपलोड करने हैं वो आप लोगों का लिंक एक्टिव होगा 1 जुलाई से 10 जुलाई तक लास्ट डेट है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये आप लोगों का जो बीएससी नर्सिंग के लिए दी गई है। हम एमबीबीएस की बात कर रहे हैं तो एमबीबीएस में आप जानते हैं डीएमसी मेडिकल कॉलेज जो आपका हिंदूराव हॉस्पिटल है उसके लिए जो 80% सीट है, 85% सीट जो स्टेट कोटा की हैं उन पर सिर्फ स्टेट के बच्चे ही काउंसलिंग कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोहिणी में जो आप लोगों का कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, उसमें भी 85% सीट पर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। और जो आर्मी कॉलेज है उस पर 100% जो सीट होती है उनमें से आप जानते हैं आर्मी कोटा की भी सीट्स होती हैं, तो आर्मी कोटा के जो कैंडिडेट हैं इंडिया में कहीं के भी वो उस पर काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स आप जानते हैं 100 सीट्स अवेलेबल रहती हैं, 100 में वो लोग अभी पार्टीशन नहीं दिया है, अभी 100 सीट तक ये भी आप लोगों की यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वैलिड फॉर्मेट में, सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पर अपने अपलोड करने हैं जिस भी फॉर्मेट में वो यहाँ पर आप लोगों से अपना डॉक्यूमेंट मांगेंगे। टू क्लेम क्रिश्चियन माइनॉरिटी बेनिफिट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, तो ऑब्वियसली अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए जा रहे हैं तो क्रिश्चियन के लिए जो डॉक्यूमेंट मेन होते हैं बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, जो कि आपका DOB सर्टिफिकेट होता है जिसे क्रिश्चियन बैप्टिज्म सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास। आपके जो चर्च होता है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं आपकी चर्च की, उस चर्च से होना चाहिए। कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय पास्टर प्रीस्ट ऑफ द चर्च, ये जो आपको चर्च से मिलते हैं। एंड लास्ट आपका लेटर फ्रॉम द चर्च मेंबरशिप, तो आप जिस चर्च में जाते हैं वहाँ का आपको मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है, वो भी आपको अपलोड करना है। फॉर MBBS कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन, ऑब्वियसली कैंडिडेट इंडियन होने चाहिए। तो ऑब्वियसली देखिए एज की बात करें तो एज तो आप जानते हैं नीट में ही सारी आपकी एज पहले क्लियर हो जाती है कि 17 तो आपकी एज होनी ही चाहिए, तभी आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने यहीं पर ही आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आगे हम अगर और इंस्ट्रक्शंस देखते हैं तो दिल्ली, यस इसकी तो हमने अभी अर्लियर बात कर ली थी। 11th 12th भी अगर आपने दिल्ली से कर रखा है उस कंडीशन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट जो लगेगी 1500 लगेगी और 1000 लगेगी, 2500 इस बार लग रही है, लास्ट टाइम तक आपकी 1200 और आपकी 1000 लगती थी, 2200 लगती थी। पेमेंट में इन्होंने दिया है कि पेमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, पेमेंट आप लोग करेंगे और वहाँ पे वो ओके शो नहीं करा रहा है, तो एडमिशन ब्रोशर में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। और अब कि आपकी जब पेमेंट हो जाएगी तो पेमेंट के बाद अपनी पेमेंट की स्लिप इन्होंने बोला है ज़रूर डाउनलोड करके रखें, क्योंकि वो आप लोग डाउनलोड करके नहीं रखेंगे तो उसके बिना कंफर्मेशन कैसे पता चलेगी। तो अपनी पेमेंट स्लिप ज़रूर डाउनलोड करके रखें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। पेमेंट स्लिप हो गई, साथ साथ जब एप्लीकेशन फॉर्म डन हो जाएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म डन होने के बाद जो उसका प्रीव्यू होता है वो प्रीव्यू भी ज़रूर अपने पास आप लोगों को रखना है, क्योंकि प्रीव्यू नहीं रखेंगे तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की डेट आई है, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की डेट आई है, चॉइस फिलिंग की डेट, मेरिट लिस्ट की डेट, अलॉटमेंट की डेट अभी तक नहीं आई है, आगे का शेड्यूल नहीं आया है। आगे का शेड्यूल जब आएगा तो आपको हमारे चैनल EDUSS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। IPU में जो इंटरेस्टेड है, जिनके मार्क्स इतने हैं, जिनकी रैंक से मैच हो रहा है, वो जाके कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट जो है वो आप लोगों की IPU.admission.nic.in है, इस पर जो ये ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को लिंक टैब में, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद IPU रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है उन्हें फिल करना है, आपका जो भी नेम है वो नेम फिल करना है, मोबाइल नंबर आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप लोगों को वो अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, ईमेल आईडी फिल कर देनी है, यूज़र आईडी आपको अपने आप क्रिएट करनी होती है, तो आप जो भी यूज़र आईडी रखना चाहते हैं वो यूज़र आईडी आप लोग रख सकते हैं। कुछ नेम ये लेगा नहीं, लाइक ये जो अगर हम नेम लेते हैं तो देखिए छवि गुप्ता इज़ नॉट अवेलेबल, काइंडली चूज़ अनदर वैलिड यूज़र आईडी, तो ये नेम नहीं लेगा, तो आपको कुछ अदर यूज़र आईडी रखनी होगी। नंबर वगैरह इसमें अवेलेबल नहीं है, अल्फाबेटिकल होने चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं चलेगा, और जो स्पेशल कीज़ होती हैं हमारी वो स्पेशल कीज़ नहीं चलेंगी। तो आप लोग जो भी यूज़र आईडी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। चूज़ योर पासवर्ड, पासवर्ड में आप लोग जानते हैं पासवर्ड के फॉर्मेट्स होते हैं कि आप लोगों का कैपिटल होना चाहिए इस अल्फ़ाबेट में, फिर स्मॉल होना चाहिए, फिर आपकी स्पेशल कीज़ भी होनी चाहिए, फिर न्यूमेरिकल भी होना चाहिए, तो ये सारी कीज़ आपकी होनी चाहिए। कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड मेंशन करना है, सिक्योरिटी पिन मेंशन करना है, सबमिट करना है, ऑप्शन देगा एडिट करना है कि फाइनल सबमिट करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू चेक एडिट सो यू विल क्लिक ऑन एडिट, इफ़ यू वॉन्ट
सबमिट योर फॉर्म फाइनलाइज, सो यू विल क्लिक ऑन फाइनल सबमिट। सो ये आप लोगों का फॉर्म यहाँ से प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए ऐसा होता है यूज़र आईडी पासवर्ड आप लोगों को ध्यान नहीं रहता है, आप लोग जब अगेन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो नहीं लेगा। तो पासवर्ड अगर फॉरगेट हो जाएगा तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके क्लिक कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको न्यू पासवर्ड का, न्यू पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा तब आप लोगों का पेज ऑटो जो है ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको यूज़र आईडी से पासवर्ड से जो है वो अपना मेंशन करना है जो आपने बनाया था। एप्लीकेशन फॉर्म जो है चार पार्ट में होगा। फर्स्ट होगा आपका पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में ऑब्वियसली आपका जो नेम है, देखिए कैंडिडेट नेम हमने छवि फिल किया था तो इट विल बी ऑटो फिल। एंड फादर नेम जो आपके फादर नेम है, मदर का नेम, डी ओ बी, ये तो बेसिकली आपकी नॉर्मल डिटेल्स है जो आप लोगों को पता ही है अपने डॉक्यूमेंट से मैच करके मेंशन करनी है। देन कॉन्टैक्ट डिटेल, अब फर्स्ट पेज हमारा फिल नहीं था इसलिए लॉग आउट हो गया, ये कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। उसके बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद अपना जो आप लोगों का आप लोगों की पेमेंट की रिसिप्ट है उसे डाउनलोड करके रख लेना है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रीव्यू है उसे डाउनलोड करके रख लेना है। कट ऑफ की बात करते हैं तो ये हमारी जो हमने लास्ट ईयर सर, आप लोगों ने सर की वीडियो भी देखी होगी जिसमें सर ने आप लोगों को ब्रीफली आईपीयू के बारे में बताया था, नहीं देखी थी तो आप लोग जाके देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आईपीयू के बारे में, जो भी कॉलेजेस के बारे में डाउट्स हैं। ये कट ऑफ है आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं। आर्मी कॉलेज का जो चलता है आपका वो 593 पे लास्ट टाइम क्लोजिंग हो गई थी, 24,000 रैंक पे जाके क्लोज हो गया था। बाकी इन कॉलेजेस की कट ऑफ आप देख सकते हैं, ये आप लोगों की एब्रीविएशंस हैं जो कि आईपीयू में चलती हैं। सो फ्रेंड यही सारी आपकी अपडेट थी, क्योंकि आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 1x1 स्टेट की अपडेट्स आ रही हैं, एमसीसी की भी अपडेट्स आपके कुछ दिनों में आ जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट की स्टार्ट हो गई तो एमसीसी की तो स्टार्ट हो ही जाएगी। वो जो भी अपडेट रहेगा आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। सो यस फ्रेंड, कुछ भी फिर भी कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्रॉलिंग में कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, सोशल मीडिया हैंडल है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। और सो यस फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।